फिर एक दरबार पे भी हमें जाने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पर हमने तो लंगर वगैरह खाया लेकिन ये रह गई थी, तो आपने क्या फिर खाना भी नहीं खाया तो कैसे? बस खाना नहीं खाया लेकिन दुआ कर ली थी मैंने, चले मेरे नसीब में था कि मैं दुआ करूँ, मैंने दुआ कर ली खाने कर सके। खाना कहना चाहता है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपका शहर कार्ड है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 सेंड करें। का व्लॉग आज हम एक सफ़र पर निकल रहे हैं, हमारे दोस्त आए हैं मुजफ्फराबाद से, अमाद साहब हैं और इसरा हैं, इसके अलावा और एक दो साथी हैं। तो ये गाड़ी आप दिखाएं थोड़ी सी, वो खड़ी है, ये हम जो है ना अभी विलेज जाएंगे, जो है सेहत कार्ड के वाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है, तो वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए अभी थोड़ा सा रुकें एक जगह पे रिलैक्स होने के लिए। तो क्या ख्याल है, आप निकलें तैयार हैं आप चलने के लिए? हम गाँव गाँव जाएंगे, करिया घूमेंगे। जी जी इंशाल्लाह हम तैयार हैं। तो बोर तो नहीं होगी? क्या इसमें क्या बोर आना है? लोगों को डिस्कस करना पड़ता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तो बाज़ूकत क्वेश्चन तरह तरह के होते हैं, तो तैयार हैं उसके लिए आप? बिल्कुल रेडी हूँ, जाहिर से बात है यही चीज़ें तो फेस करनी होती है हमें, स्मूथली चलने में वो मज़ा नहीं है जब तक कि बंदे के ऊपर प्रेशर भी हो, हर तरह के जो है ना लोगों से सामना होना चाहिए। यानी कि मूव साइकोलॉजी। तो ये अमाद साहब हैं, अमाद साहब कह रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थके हुए हैं, तो अभी जो है हम निकल रहे हैं सफ़र की तरफ, कहाँ कहाँ जाएंगे? बिल्कुल विलाग में आपने साथ रहना है, तो आइए चलते हैं, आइए। हम अगर यहाँ पे और हालात या महंगाई को डिस्कस करेंगे वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ये आवाम और हुकूमत दोनों का ही है, कुछ आवाम का भी कसूर है और हुकूमत का भी है। 85-100% करना है और उसके मुतालिक अपने अहलिए जाननी है, बाकी कॉम्बिनेशन कार्ड की वजह से जो है आप हर तरह की बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। आज हुकूमत की तरफ से एक अगाई मुहिम का जो है ना वो सिलसिला शुरू किया गया है, तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं, वो अनाउंसमेंट भी ये देख सकते हैं कि ये मैडम कर रही हैं और लोगों को जो अगाई दी जा रही है, और ताकि मैं मजीद आपको कॉम्बिनेशन कार्ड के अहमियत के बारे में बता सकूं। ये आगाही मुहिम पूरे आजाद कश्मीर के लिए है या पूरे आजाद कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान में रखने के लिए इस्तेमाल बहुत सारे पंजाब के बहुत सारे इलाकों में लिए इस्तेमाल करना है, जरूरत का कदम उठाया है हुकूमत ने हमारे लिए और हमें इससे भरपूर। तो ये लोगों को क्या इसका पता नहीं है पहले से, इसलिए आगाह किया जा रहा है? बहुत से लोग हैं जिनको इसके मुतालिक बिल्कुल नहीं पता, बल्कि वो पुराने सेहत कार्ड को लेकर अस्पताल में जा रहे हैं। हुकूमत ने एक बहुत अहम कदम है, हुकूमत ने अब जो आपका शनाख्ती कार्ड है कौमी जो शनाख्ती कार्ड होता है उसी को सेहत कार्ड करार दे दिया है, इससे लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं। कोई भी बंदा अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाए और मुतलका जो वो हैं हुकूमत के मराकज़ उनमें से इलाज बहुत सारी बीमारियों के इलाज करवा सकते हैं। जी 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 ठीक है, ये अगाई मुहिम का प्रोग्राम चल रहा है। तो अच्छा इसरा, आप फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ कोटली में? जी यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ठीक है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। साथ साथ में ये अगाई मुहिम भी चल रही है, साथ साथ में तफरी भी हो रही है। जी जी ऐसे ही है, तफरी भी है, हमें बेसिकली यहाँ पे आगाही के लिए भेजा गया था कि हम जो है यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा सेहत कार्ड जो है वही हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड। बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है, वो समझते हैं वो पुराना कार्ड ही और वो एक्टिव नहीं है, अब जो आई डी कार्ड है वही सेहत कार्ड है। बिल्कुल ऐसा ही, अभी हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अगर हुकूमत हमारे लिए एक स्टेप लिया तो हमें जाहिर सी बात इससे फ़ायदा उठाने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये पनाग है, आज़ाद कश्मीर का ज़िला कोटली, कोटली का इलाका है पनाग शरीफ, वहाँ पर मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं ये लोग इकट्ठे हैं काफ़ी सारी तादाद में, अनाउंसमेंट भी हो रही है और नए पैदा होने वाले बच्चों ये जो टूर है 39 जगहों पर जाके किया जाता है और लोगों को आगाही दी जाती है। सेहत कार्ड की मदद से आप अपने खानदान के किसी भी फर्द का इलाज, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी मैसेज की सूरत में, आप अहल हैं, ये सारी कुछ मालूम जो है इस कोर्स से आपको मालूम हो जाएगी, आपने खुद सेंड करना है।
हर वो बीमारी जिसमें हॉस्पिटल में जाना जरूरी है उसका इलाज हो सकता है यहाँ पर। रिफस महमूद इंटरनेशनल अस्पताल है उत्थे जाई सकने हो, मनजा मैटरनिटी होम है उत्थे जाई सकने हो, एक सेंटर क्वेरेटन अंदर भी है यूनिस मेडिकल सेंटर, एक कोटली जिले स्थान जड़े जिधर तुम्हें करीब पे उत्थे जाई तो तुम अपना इलाज बिल्कुल फ्री कराई सकने हो। और ये मालूमात तुसा और नहीं भी दसो क्योंकि बाद लोग समझने कि सेहत कार्ड होना चाहिए, हूँ जरा सेहत कार्ड है तुम्हारा सेहत कार्ड है, सिर्फ तुम अपने बारे अगर चेक करना चाहते हो कि वाकई साड़ा इलाज हो सकना या नहीं हो सकना, तो उस वास्तव तुम 8500 पर अपने मोबाइल रू तुम अपना सेहत कार्ड नंबर लिख सो तो 8500 पर सेंड कर सो तो तुम्हें मुड़ी जवाब आई जैसी कि वाकई तुम इलाज कराई सकने हो। हम राज्य का गुर्दों और फेफड़ों से मुतालिक हर तरह की हर किस्म की बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त आप करवा सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट हो गया, हड्डियों का टूट जाना, जल जाना, सर पर चोट लगना, आंखों की खराबी, पाँव के जख्म, यरकान, काला यरकान, सोचके जैसी तमाम बीमारियों का इलाज बिल्कुल आप मुफ्त करवा सकते हैं। और ये जो सहूलियत है ये किसी भी अस्पताल की OPD पर मैसर नहीं है, आप अपने ज़िला के किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ पे आपका मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज किया जाएगा। कुछ अस्पतालों का नाम लेना चाहूँगी जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, DHQ अस्पताल कोटली, अनवर मेमोरियल अस्पताल। वो अभी हम जो है घूम फिर रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर का ज़िला कोटली, उसका एक इलाका है खड गुजरा, वहाँ पर हम आए हैं। तो गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है, क्या महसूस कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है बट अभी फिलहाल वेदर जो है सूटेबल है, अभी ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है अभी, थोड़ा सा बेहतर। लेकिन पिछले सेंटर पे जहाँ हम रुके थे वहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर एक दरबार पे भी हमें जाने का इतफाक हुआ है, वहाँ पर हमने तो लंगर वगैरह खाया लेकिन ये रह गई थी। तो आपने क्या फिर खाना भी नहीं खाया, तो कैसे? बस खाना नहीं खाया लेकिन दुआ कर ली थी मैंने, चले मेरे नसीब में था कि मैं दुआ करूँ, मैंने दुआ कर ली खाने कर सके। खाना नहीं था आपके नसीब? खाना नसीब में, क्योंकि आप वहाँ बैठी रही हैं आपको पता नहीं चला कि आगे जाना है। हाँ ऐसा ही है। तो अभी हम वापस चलेंगे तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग भी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं जो कि यहाँ पे के रहने वाले हैं। तो फ्रेम साहब ये अवेयरनेस ऐसे ज़रूरी है वैसे लोगों को, क्योंकि नेट का दौर है इंटरनेट का, फिर भी यानी कि डोर टू डोर जाके ज़रूरी है ये लोगों के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें सेहत कार्ड नहीं मिला, तो ये गवर्नमेंट का बहुत ऐसा इकदाम है कि हर एक बंदे को अवेयरनेस आ रही है कि हमारा शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है, हमारा बेफार्म सेहत कार्ड है। और जिन लोगों का डाटा अपडेट नहीं है वो लोग अपना डाटा जो है 85 से वो चेक कर लें, वहाँ अगर नाअहलियत की सूरत आती है तो वो हेल्पलाइन पर फ़ोन करके अपना जो क्वाइफ की ज़रूरत होती है वो नादरा से अपडेट करा सकते हैं। तो मैंने तो इससे कबल 35-40 लोगों को ऑपरेशन के लिए भी भेजा है जिनके डाटा अपडेट नहीं था, उनको नादरा के दफ्तर से भी अपडेट कराया है। तो ये बहुत अवेयरनेस का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये जो है लोगों को मैसेज दिया जा रहा है सेहत कार्ड के वाले से। और इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, तो फिल वक्त मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMW TV व्लॉग्स। थैंक यू।